A very good morning, students. Today we will discuss about the PN junction diode in reverse wise. Last time video में हम लोगों ने discuss किया था PN diode in forward biasing. तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जब हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट करते थे पी टाइप के साथ और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते थे एन टाइप के साथ, तो उसकी वजह से क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो स्टार्ट हो जाता था, तो उसी की वजह से हमारे पास करंट जो कंस्टिट्यूट हो रहा था. ठीक है, तो इन द सिमिलर मैनर वी विल डिस्कस टुडे द रिवर्स बायस पी एन डायोड. क्लियर बात, एक मिनट रुकना जरा. ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट द रिवर्स बायस डायोड. क्लियर बात. अब देखो यहाँ पे रिवर्स वाइज में कुछ एक फंक्शन हम लोग इसमें देख लेते हैं. रिवर्स वाइज पी एन डायोड में हम क्या करेंगे, पी टाइप को हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. उसी तरह से एन टाइप को किसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. देखो यहाँ पे दिस वन इज द पी एन डायोड. क्लियर है, यहाँ पे पी रीजन में क्या हमारे पास मेजोरिटी ऑफ द होल्स एंड माइनॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. उसी तरह से एन रीजन में क्या होगा, मेजोरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी केस में कौन से होंगे, होल्स होंगे. क्लियर है बात. अब पी टाइप को हमने कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ. उसी तरह से एन टाइप को कनेक्ट कर दिया किसके साथ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सो दे विल फॉर्म द रिवर्स बायसिंग वोल्टेज. ठीक है, क्या बनाएंगे, ये रिवर्स बायसिंग करेंगे. ये रिवर्स बायसिंग मतलब इसको हमने रिवर्स कर दिया हुआ है, जो हम फॉरवर्ड कर रहे थे फॉरवर्ड आगे की डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर रहा है, अब यहां पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ दे रहे हैं टर्मिनल. ठीक है, दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. क्लियर बात है. अब यहां पे देखो व्हाट वाज दैट, दैट वाज द डिप्लेशन लेयर. क्या था ये हमारे पास, डिप्लेशन लेयर. ठीक है, डिप्लेशन लेयर थी. तो यहां पे क्या होगा, अब जैसे हमने इस बैटरी की हेल्प से इसको रिवर्स वाइज किया, तो क्या होगा, नंबर ऑफ द होल्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी एंड दे विल ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द डिप्लेशन लेयर. उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दे विल ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द डिप्लेशन लेयर. इन दैट वे क्या हो रहा है हमारे पास डिप्लेशन लेयर में, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, ड्यू टू दिस डिप्लेशन लेयर, तो पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी में भी हम क्या कर रहे हैं, सेम इसी ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं. तो विद दिस सेम डायरेक्शन ऑफ द डिप्लेशन लेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बैटरी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ विल बी गेट एडेड अप. क्या हो जाएगा, इन दोनों की एडिशन हो जाएगी, यानी कि अगर इसका अमाउंट है इलेक्ट्रिक या पोटेंशियल का अमाउंट मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट मानते हैं 10 न्यूटन मीटर इनवर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे हम जो एडिशन कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉल करवा रहे हैं 10 न्यूटन न्यूटन मीटर इनवर्स. तो दोनों क्या हो जाएंगे, दे विल गेट एडेड अप. तो आउटपुट वोल्टेज जो बनेगी हमारे पास दैट विल बी बैटरी वोल्टेज प्लस पोटेंशियल वोल्टेज ड्यू टू द डिप्लेशन लेयर. ये बैटरी वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिप्लेशन लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोथ आर अलाइनिंग इन द सेम डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या हुई, सेम हुई ना, क्योंकि पीएन के जो फॉरवर्ड बायस की केस में हमने देखा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिप्लेशन लेयर में इस डायरेक्शन में थी, जबकि बैटरी की डायरेक्शन इस अपोजिट में थी, उसको अपोज कर रहा था, लेकिन यहां पे इसमें फेवर कर रहा है. तो अगर इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो आउटपुट में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ को इंक्रीज कर देगा. क्या कर देगा, ये इसकी विड्थ को इंक्रीज कर देगा. अब इसका रीजन जो है बढ़ के लार्जर हो जाएगा. क्या हो जाएगा, इसका रीजन लार्जर हो जाएगा. पहले डिप्लेशन लेयर यहां तक थी, अब डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो है वो बड़ी हो जाएगी. किसकी वजह से बड़ी हुई, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दैट बैटरी. फिर भी बात ये, तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब जो हमारे पास होल्स थे वो यहां से निकल के डायरेक्ट किसके पास आ गए, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और यहां से होल्स निकल के सॉरी इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से किसके पास आ गए, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. अब यहां पे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल्स यहां पे क्रॉस नहीं कर रहे. क्यों नहीं क्रॉस कर रहा, अरे भाई इसका जो पोटेंशियल बैरियर अब बहुत बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो गया कि यहां पे इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी ही नहीं मिलेगी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि दे विल नॉट कंस्टिट्यूट एनी काइंड ऑफ द करंट. करंट कंस्टिट्यूट करेंगे, बट दैट करंट विल बी कंस्टिट्यूटेड ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होगा. ठीक है, देखो कैसे होगा, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है तो देयर द
माइनॉरिटी कैरियर क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसको इस तरफ भेजेगा, ठीक है। उसी तरह से होल्स होंगे, होल्स को ये रिपेल करेगा इस तरफ, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्रॉस करके एक करंट कंस्टिट्यूट करेंगे, बट दैट करंट विल बी ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। क्लियर हुई बात ये, द करंट ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर। यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो किसकी वजह से कर रहा है, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी बी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, यहाँ पे एक बात क्लियर होगी सभी को, ठीक है। बी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे चेक किया इसकी वोल्टेज को अगर इंक्रीज करता जाता हूँ, ठीक है, 0.1 कोई करंट नहीं है, 0.2 ठीक है, कोई करंट नहीं, मेजरेबल मतलब उस करंट जो हमारे पास कंस्टिट्यूट हो रहा होता है क्योंकि तो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से उसको हम मेजरेबल कंसिडर ही नहीं करते, ठीक है। 0.3 0 0.4 0 0.5 0, ठीक है, 0.6 0 0.7 0, फिर 0.8 पे हम कैसे पहुंचे, मतलब थोड़ी सी नी वोल्टेज 0.7 पर ही मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे हम 0.7 से थोड़ी सी वैल्यू राइज अप करते हैं, तो यहाँ पे करंट एकदम से क्या होगा, फ्लक्चुएट कर जाएगा, एकदम से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, राइज अप कर जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं इसकी करंट की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी इसी ही पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 10 एम्पियर मान लेता हूँ उसको, कितना एकदम से कितना राइज अप कर गया 10 एम्पियर में, मतलब उतनी ही पर्टिकुलर वोल्टेज पर ये करंट क्या हो जाएगा, राइज अप कर जाएगा, ठीक है, उस वोल्टेज के ऊपर, कहाँ पे 0.7 से ऊपर ये वोल्टेज के ऊपर क्या करेगा, राइज अप कर जाएगा, फिर 20 एम्पियर करंट, धीरे धीरे ये करंट क्या होता जाएगा, राइज अप कर जाएगा ये करंट। क्लियर हुई बात ये, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द टेबल। नाउ हम क्या करेंगे, इसकी बी आई कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली टेबल ड्रॉ करते हैं। क्लियर हुई बात ये, एक मिनट रुकना जरा, अच्छा सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, बोल रहा था मैं यहाँ पे करंट क्या होगा, एकदम से राइज अप कर जाएगा। तो होगा कैसे, हम बी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। देखो ये हमारे पास बी आई कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए डायग्राम, ये एक्सिस किसको बता रही है, नेगेटिव एक्सिस, यानी कि पोटेंशियल जो हम अप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ किस तरफ बनेगा, इस तरफ, और ये जो एक्सिस है ये इसको रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी ये रिवर्स वाइज करंट को। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करंट की वैल्यू को ड्रॉ करता हूँ, तो ये बड़ा माइनर सा करंट आता है कुछ इस तरीके से। तो ये माइनर करंट की जो लाइन आ रही है ये किसकी वजह से आ रही है, अरे भाई ये आ रही है इन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से। यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ शिफ्ट होगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये इस तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, तो इस तरफ जा चले जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे होल्स हैं, तो पॉजिटिव होल्स को रिपेल करेगा, तो ये होल्स इस तरफ आ जाएंगे, क्लियर है। तो ये बड़े माइनस हो गए, मतलब थोड़े से होंगे, ठीक है। तो इनकी वजह से एक बड़ा स्मॉलर करंट जो है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट होगा, दैट्स व्हाई दे विल प्रोड्यूस लाइक दिस, क्लियर है। ये लाइन हम लोगों ने इसके लिए बनाई माइनॉरिटी करंट की वजह से, बट अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर आपने देखा कि ये करंट एकदम से हाई हो गया, ठीक है। तो ये करंट क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, एकदम से राइज अप करती चली गई, इस तरीके से बनी। तो क्या रीजन है कि एकदम से करंट यहां पे राइज अप हो गया, ठीक है। क्या वजह है कि जैसे जैसे हम यहां पे पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, 0.7 से रखी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे करंट क्या पहुंचा था, जीरो था, ठीक है, क्योंकि उतना उसके पास पोटेंशियल था नहीं, एनर्जी थी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पास इस पोटेंशियल वैल्यू को क्रॉस कर सके। बट जैसे 0.7 से ग्रेटर देन करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो, वोल्टेज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि उसने क्या किया, अब इसके अंदर जो बॉन्डिंग थी इसके बीच में, सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी है इसके बीच में, हमारे पास जो बॉन्डिंग्स थी इनके बीच में, उन बॉन्डिंग्स को ब्रेक करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया, इन बॉन्डिंग्स को ब्रेक करना शुरू कर दिया। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुए, तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द वेरी लार्ज नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज द होल्स। क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बड़े ज्यादा अवेलेबल हो गए, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग जो वो टूट गई। समझ रहे बात ये, क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर जाकर के जब हम यहाँ से वाइजिंग पे कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, हम यहाँ पर ट्यूनर लगा होगा, ठीक है, उस ट्यूनर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, उसको इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे ही इंक्रीज किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे ये कोवलेंट बॉन्डिंग जो टूट गई सारी। जब कोवलेंट बॉन्ड टूट गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है एक्सेस में आ गया हमारे पास। उसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास बॉन्डिंग जो टूट गई,
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो क्या हो गया हमारे पास एक्सेस में आ गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल्स एक्सेस में आ गए। तो जब ये बॉन्डिंग टूटी और एक्सेस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल्स मिल गए तो उन्होंने क्या किया, करंट कॉन्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया, करंट कॉन्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दिया। दैट्स व्हाई यहां पे देखो इस पर्टिकुलर वोल्टेज पर एकदम से करंट की वैल्यू क्या हो रही है, हाई होती चली गई, यानी कि एक पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट वोल्टेज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोला जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोला जाता है इसको, ठीक है। ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन का मतलब टूट जाना सब कुछ। वोल्टेज, वोल्टेज मतलब उस पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर, जैसे मैं उस पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर पहुंचाया, यानी कि बड़ी ज्यादा बाइसिंग करने से रिवर्स बाइसिंग करने लग पड़ा, तो जैसे ही उस पर्टिकुलर वोल्टेज पर पहुंची तो उस क्रिस्टल के अंदर क्या हुआ, वो सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड टूट गए, एंड उसके टूटने के साथ ही क्या हुआ, देयर विल बी द एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द होल्स एंड दे विल कॉन्स्टिट्यूट द वेरी लार्जर करंट इन साइड दिस PN डायोड, और दैट पर्टिकुलर वोल्टेज इज कॉल्ड एज द ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोली जाती है। बट ये वोल्टेज जो होती है ये थोड़ी रिस्की होती है, क्यों, क्योंकि देयर इज अ थर्मल टेंपरेचर आल्सो इज इंक्रीजेस, ठीक है, थर्मल टेंपरेचर इंक्रीज कर रहा था उसकी वजह से हो सकता है हमारा PN डायोड जो वो डैमेज कर जाए, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज एंड द वर्किंग ऑफ द रिवर्स वाइज PN डायोड। That is, P-type is represented as negative terminal of that connect कर दिया, N को reflect कर दिया positive terminal से, depletion layer क्या होगी, increase कर गई, जिसकी वजह से क्यों, क्यों increase कर रही है, भाई holes को तो ये खींच ले रहे थे बाहर, तो इस तरफ तो कुछ भी नहीं जा रहा था, तो उससे हो रहा है electric field भी क्यों रही थी, addition हो रही थी electric field की, तो उसकी वजह से electric field का potential barrier जो है वो क्या बन गया, ठीक हो गया ज्यादा, ठीक है, तो current किसकी वजह से flow करता है इसमें, that is due to the minority carrier। ठीक है, आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स, हम लोगों ने यहाँ पे देखा क्या कि हमारे पास जो डायोड होता है, ठीक है, डायोड की रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होती है, डायोड इज यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल कंपोनेंट, ठीक है, बड़ा ज्यादा एनरोलमेंट होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में इसके लिए, ठीक है, तो PN डायोड जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि जब मैंने इसको फॉरवर्ड बायस किया तो इसने करंट को अलो कर दिया, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको रिवर्स वाइज किया, रिवर्स वाइज का मतलब इसके टर्मिनल्स को अलग अलग टर्मिनल्स मतलब इसका इंटरचेंज कर दिया, तो क्या हुआ, करंट जो है बिल्कुल ही फ्लो नहीं करेगा इन द रिवर्स वाइज, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसको ब्लॉक कर देगा वो करंट को, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिडायरेक्शनल। जबकि अगर हम एक कंडक्टर की बात करते हैं तो दैट इज द बाई डायरेक्शनल, क्यों, अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे लगाता हूँ, नेगेटिव यहाँ पे लगाता हूँ, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर देता हूँ, नेगेटिव इस तरफ लगाता हूँ, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में लगाता हूँ, तो करंट अब इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। लेकिन डायोड के केस में ऐसा नहीं होता है, तो डायोड के केस में आपने क्या देखा, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अलोंग करंट को अलाउ करता है, दूसरी डायरेक्शन के अलोंग करंट को ब्लॉक कर देगा ये, ठीक है, सो दिस वन इज कॉल्ड एज रिवर्स बाय PN डायोड। क्लियर हुई बात सभी को ये, ठीक है, थैंक यू ऑल।